Hello everyone, good morning and welcome back to another vlog on my channel. My name is Kirti and thank you so much for tuning in. सो गाइज़, सबसे पहले तो अपॉलोजीज़ कि मैं लास्ट वीक जो है वीडियो नहीं अपलोड कर पाई. मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी लास्ट वीक. यहाँ दुबई में ना सभी को बहुत ज़्यादा अभी सर्दी ज़ुकाम और वायरल के सिम्टम्स आए हुए थे. सो आई वॉज़ अंडर द वेदर और बहुत ज़्यादा मेरी नाक बंद थी तो मैं बोल भी ठीक से नहीं पा रही थी. सो इस वजह से मैंने लास्ट वीक वीडियो अपलोड नहीं किया. बट इस हफ्ते मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो. ये एक रूटीन व्लॉग है, बहुत ही सिंपल, और जो मेरा डेली का रूटीन रहता है मैं यहाँ पे बस वही शेयर कर रही हूँ. सो कुणाल अभी ट्रैवल कर रहे हैं तो घर पे अभी फ़िलहाल में सिर्फ मैं और बच्चे ही हैं. तो यहाँ पर सुबह उठकर मैं उनका जो है लंच बॉक्स, ब्रेकफास्ट वगैरह वो सब रेडी कर रही हूँ. तो उनके जो बॉक्सेस हैं, दोनों बच्चे दो दो बॉक्स लेके जाते हैं. और आज मैं इन लोगों के लिए बेसिकली घी रोस्ट बना रही थी, जो थोड़ा सा थिक डोसा टाइप का होता है, उत्तपम विदाउट वेजिटेबल्स आप कह सकते हो. तो यहाँ पर बस मैंने वो बना लिया है. और उसके अलावा आज मैं कभी को दे रही हूँ एप्पल्स और काव्या जो है चीज़ सैंडविच लेके गई थी. अभी बज रहे थे 7:15 और दोनों बच्चों के जो स्नैक बॉक्सेस थे ना वो भी रेडी थे. तो काव्या का क्या है, वो सुबह उठ के जल्दी अपने आप रेडी हो जाती है. उसका अलार्म क्लॉक बजता है, वो बंद करती है, उठती है, अपने आप रेडी हो जाती है. सो बाय दिस टाइम काव्या के स्कूल बस का टाइम हो गया था तो वो अपने आप नीचे चली जाती है. एंड वहाँ पे काफ़ी पेरेंट्स ऑलरेडी होते हैं सो उसको अच्छा लगता है अपने आप इंडिपेंडेंटली अपनी बस के लिए जाना. आई ऑल्सो वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज़ कि जो हमारा पिछला हफ्ता था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था हम लोगों के लिए, बिकॉज एज़ यू कैन सी कवीश के सर पे एक बैंडेज बंधा हुआ है. सो हुआ ये कि सैटरडे को वो सुबह उठ गया था, मैंने उसको ब्रेकफास्ट दिया, लिविंग रूम में वो बैठ के अपना ब्रेकफास्ट खा रहा था. एंड घर में जैसे रेगुलर क्लीनिंग चलती है सुबह वही हो रहा था. सो उसको पीना था पानी तो वो उठ के गया. एंड फ्लोर जो था वो बिल्कुल गीला था, फ्रेशली मॉप्ड था, उस पर कवीश स्लिप हुआ और उसके काफ़ी ज़ोर से सर में चोट आ गई. सो उसके लगे हैं 2 स्टिचेस सर में, हालांकि अब वो काफ़ी ठीक है. अभी मुझे 1-2 दिन में जाना है उसके स्टिचेस ओपन करवाने. पता नहीं डॉक्टर ने क्यों उसके सेल्फ डिसॉल्विंग स्टिचेस नहीं लगाए. सो आई विल हैव टू गो अगेन, टेक हिम टू द डॉक्टर और फिर उसके स्टिचेस खुलेंगे. सो हालांकि वो ठीक है अब, ही इज़ डूइंग ओके, ही इज़ गोइंग टू स्कूल ऑल्सो. बट पिछला हफ्ता हम लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था. एंड आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज़ प्रे फॉर माई किड्स कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे. एंड आई विल ऑल्सो डू द सेम फॉर यू ऑल. सो बस अपना कुछ काम मैंने ख़त्म किया. एज़ यू नो आई स्टार्टेड माई ओन क्लोदिंग ब्रांड हेयर इन दुबई. तो उसका इंस्टाग्राम लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो यू कैन गो अहेड एंड चेक इट आउट. सारे कपड़े जो हैं रेडी टू वेयर हैं और बहुत ही फेस्टिव कलेक्शन मेरे पास अभी आया हुआ है. सो आप उस पर ऑर्डर कर सकते हैं एंड वी डिलीवर ऑल अक्रॉस द UAE. सो वो काम मैंने फिनिश किया. उसके बाद मैं आ गई थी किचन में एंड टुडे आई एम मेकिंग इडली सांभर. सो एज़ यू नो कुणाल अभी यहाँ है नहीं दुबई में कुछ दिन के लिए, ही इज़ कमिंग बैक सून. सो हम लोगों ने सोचा कि आज इडली सांभर बनाया जाए क्योंकि माथुर साहब को इडली सांभर कुछ ख़ास पसंद नहीं है. तो जब भी वो नहीं होते या लंच में मोस्टली हम लोग जो है अपने लिए साउथ इंडियन कुछ अच्छा सा बना लेते हैं. सो आज भी मैं वही करने वाली थी और उसके लिए मैं यहाँ से आईडी फ्रेश का रेडी टू मेक जो इडली का बैटर होता है
प्री मिक्स जो रहता है वो मैंने ऑर्डर किया था, और उसके बाद मैंने उसको डाल के इडली के सांचों में उसको रख दिया है स्टीम होने के लिए। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे बना रही हूँ थोड़ा सा सांबर। सांबर कवीश नहीं खाता, बट काव्या और मुझे सांबर बहुत ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पर बस मेरा लंच भी हो गया था रेडी। सो यहाँ पर अराउंड 12:30 हो रहे थे और मैंने बना ली थी अपने लिए कप ऑफ कॉफ़ी। हालांकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, बच्चों के जब लग जाती है तो पेरेंट्स का दिल बिल्कुल ही बैठ जाता है, स्पेशली व्हेन यू सी ब्लड इन द हाउस। तो काफ़ी घबराहट मुझे हो गई थी उस टाइम पे। सो कवीश भी स्कूल से वापस आ गया था और दोनों ही बच्चों को मैंने अब काफ़ी इंडिपेंडेंट कर दिया है। वो अपने आप अपने यूनिफॉर्म चेंज कर लेते हैं, घर के कपड़ों में आ जाते हैं और शूज़ वगैरह मोस्टली जो है अपनी जगह पर रख ही देते हैं। उसके बाद था लंच टाइम, जिसमें कवीश आज बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड था। दिस इज़ द फर्स्ट डे ही वेंट टू स्कूल आफ्टर हिज इंजरी, तो वैसे तो ठीक था बट गर्मी भी बहुत है और शायद दवाई का असर भी था, सो ही वाज नॉट वेरी ओके। बट उसने अपना लंच अच्छे से खा लिया और मीनवाइल साइड बाय साइड मैंने भी अपना लंच खा लिया एंड आई वाज वॉचिंग टीवी। उसी के थोड़ी देर बाद काव्या भी आ जाती है एंड देन थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के टाइम पे मैं शूट नहीं करती वरना काव्या बहुत ज़्यादा यू नो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। सो शाम हो गई थी, हम लोग ने डिनर किया इसके बाद में एंड वी स्लेप्ट वेरी अर्ली बिकॉज ऑब्वियसली कुछ करने को था नहीं। सो बस यहीं तक था आज का व्लॉग। आई होप यू एंजॉयड इट एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी, और मेरा इंस्टाग्राम पेज ज़रूर चेकआउट करना, उसमें बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। सो गाइज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय एंड जय राम जी की।